वेलकम एवरीवन, माय सेल्फ प्रोफेसर के वी कुशारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फ्रॉम एमएपीज राजश्री शाहू महाराज पॉलिटेक्निक नासिक। ओके, लास्ट लेक्चर वी डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देन टुडे वी डिस्कस ऑन द स्कोप ऑफ प्लान्स ऑफ फॉर सुपरवाइजर। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सुपरवाइजर एंड व्हाट इज द स्कोप, व्हाट इज इज disciplines, rules for given a supervisor to any management level. First, we discuss supervisor make short-term planning, which can be involved scheduling daily activity, raw material, completing production target, purchasing, etc. Supervisor look into work, how he subcoordinate, he take care of workflow. Supervisor look after subcoordinate, report to him about their work. Supervisor are internally focused in planning. They manage group of employee, their duties are focused on a internal operation. Then another one is supervisor plan the budget related to manpower, overhead, raw material and other project small expense. Simple things are given in how to supervisor work and how to duty of supervisor. जो supervisor रहेगा organization, जो company रहेगी, supervisor जो work उसके under जो worker रहेगी, उनका जो वर्क कैसा है, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे दे रहे हैं, डेली टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल है उसका जो आउटपुट रहेगा, रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, वो वेस्टेज कितना जा रहा है, प्रॉफिट कितना आ रहा है उसमें से, जो भी डेली वर्क रहेगा, सब कोऑर्डिनेट रिपोर्ट्स रहेगी, वो सब मैनेजमेंट को डेली रिपोर्ट करना होता है। उससे जो सुपरवाइजर प्लान्स द बजट रिलेटिव लाइक योर मैन पावर, कितने मैन पावर में हम कितना टारगेट कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट है वो कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, डेली कितना कंप्लीट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल के जो हिसाब रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वो सब कैलकुलेशन सुपरवाइजर जो मैनेजमेंट रहेगा उसको डेली रिपोर्ट करता है। दैट इज द स्कोप ऑफ सुपरवाइजर। द स्टेप इन प्लानिंग एंड डिटेलिंग एक्टिविटी, द प्लानिंग प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम वन प्लान टू अनदर एंड वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर। द स्टेप जनरली इन्वॉल्व इन प्लानिंग आर एज फॉलो। द फर्स्ट, यू एस्टैब्लिशिंग गोल means objective. The first step in planning process is to determine the goal or objective. These are set by the top level management. After number of objective has been carefully considered, the objective set depends on number of factor like mission of the organization, ability of the organization, etc. Consider process is very easy if objective are clearly defined. That is the goal of any object, that is the goal or objective in any established organization. Then the establishing planning premises. Planning premises are planning assumptions like the expected environmental factor, pertinent facts and information related to the future such as general economic condition, population trend, कॉम्पिटेटिव बिहेवियर एक्सेट्रा। द प्लानिंग प्रीमाइसेस कैन बी क्लासिफाइड, मीन्स जो भी प्रोडक्शन रहेगा, जो भी कंपनी का प्रोडक्शन रहेगा, उसके कुछ फैक्टर रहते, जो फ्यूचर स्कोप रहेगा उसके हिसाब से, जो इकोनॉमिक कंडीशन रहेगी, जो कंपनी की जो बाहर परचेजिंग जो कस्टमर की रहेगी, उसका पॉपुलेशन ट्रेड का जो फैक्टर रहेगा, एंड देन द कॉम्पिटेटर ऑफ द अदर फैक्ट्री, मुझे जो भी कंप्यूटर रहेगा, एक प्रोडक्ट रहेगा उसके हिसाब से बहुत सारे कंप्यूटेटर रहते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। सपोज पिस्टन रिंग ले ली, कि हमने टायर ले लिया, जो हमारी फोर व्हीलर रहेगी, टू व्हीलर रहेगी, उसका टायर ले लिया, तो टायर की बहुत सारी कंपनीज होती है, एमआरएफ होगी, सेट होगी, दैट इज़ द कॉम्पिटेटर ऑफ द प्रीपक्स। ओके, देन इंटरनल एक्सटर्नल प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस में एग्जिस्ट विद इन और आउटसाइड द एंटरप्राइजेस। इंटरनल प्रीमाइसेस इंक्लूड सेल्स फॉर कॉस्ट, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स, मेथड ऑफ डिजाइन, बिहेवियर ऑफ द ओनर एंड एम्प्लॉयज। जो इस्टेब्लिशमेंट रहता है, जो प्रोडक्शन हम कंपनी के बाहर निकालते हैं, उसके बाद उसका जो मार्केटिंग रहेगा, उस कस्टमर तक जाने तक उसका जो भी परचेसिंग रहेगा, वो एक्सटर्नल प्रीमाइसेस होता है। बट इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होता है, कंपनी का अंदर मशीन होनी चाहिए, उसकी मेथड डिज़ाइन होनी चाहिए, जो बिहेवियर रहेगा, जो ओनर रहेगा, वो जो वर्कर के साथ बिहेवियर रहता है, उसको जो सैलरी रहेगी, अदर जो सेटिस्फैक्शन रहेगा, देन सेफ्टी रहेगी, दैट इज़ द इंटरनल प्रीमाइसेस ऑफ द कंपनी, लाइक द इंक्लूडिंग जनरल बिजनेस एंड इकोनॉमिक एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, पॉपुलेशन को, जो भी मेथड रहेगी, वो वर्कर को जो भी
कुछ मेथड, कुछ रूल्स गवर्नमेंट के हिसाब से, जो वर्कर होता है जो काम कर रहा है टारगेट के हिसाब से, उनको जो सैलरी मिल रही है क्या, उसको फैसिलिटी दी जा रही है, दैट इज़ द इंटरनल प्रीमाइसेस ऑफ द एनी इस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। एंड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रीमाइसेस, टेंजिबल प्रीमाइसेस आर दोज विच कैन बी क्वान्टिफाई, दे इंक्लूड पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्री डिमांड, कैपिटल एंड रिसोर्स इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ऑन द अदर हैंड, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशोलॉजिकल फैक्टर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ द ओनर, दैट इज द डिप्स ऑल द डिपेंड ऑन द इंटरनल प्रीमाइसिस लाइक द टैंगिकल प्रीमाइसिस। कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल प्रीमाइसिस, सम ऑफ द प्लानिंग प्रीमाइसिस आर कंट्रोलेबल एंड अदर आर नॉट कंट्रोलेबल। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर आर स्ट्राइक्स, वॉर्स, नेचुरल क्लाइमिटी, लेगिग्नेशन। मीन्स कंपनी के जो मेथड रहते हैं उसमें क्या बताया, कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर में एग्जांपल दिया है, सपोज कंपनी रहेगा, कंपनी जो वर्कर रहेगा उनकी कोई सैलरी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम रहेगी तो जो वर्कर रहेगा वो स्ट्राइक पे जाते हैं, दैट इज़ द नॉन कंट्रोलेबल प्रीमाइसिस इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सपोज वॉर रहेगा, जो भी युद्धजन्य परिस्थिति बोलते वो रहेगा, दैट टाइम ऑल्सो द नॉन कंट्रोलेबल प्रीमाइसिस। नेचुरल क्लाइमेटी रहेगा, जो भी लेगिग्नेशन रहेगा, दैट इज़ द नॉन कंट्रोलेबल प्रीमाइसिस इन द गिवन दिस इस्टेब्लिशमेंट। द कंट्रोलेबल फैक्टर आर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्किल ऑफ मैनेजर एंड लेबर। और जो कंट्रोलेबल रहेगा वो कंपनी के अंदर रहेगा, सपोज जो अवेलेबिलिटी चाहिए, रिसोर्स चाहिए कंपनी में वो अवेलेबल होनी चाहिए, जो स्किल ऑफ मैनेजर चाहिए, जो वर्कर के ऊपर प्राय ऊपर जो मैनेजर रहेगा उसको जो नॉलेज स्किल उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन रहेगा वो अवेलेबल चाहिए, और लेबर भी प्रोडक्शन के हिसाब से उतना लेबल भी उधर, सपोज प्रोडक्शन हो रहा है उधर 20 वर्कर चाहिए पर 50 वर्कर काम कर रहे हैं तो जो 5 वर्कर है वो वहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, दैट इज़ द कंट्रोलेबल। डिसाइडिंग द प्लानिंग में पीरियड, द पीरियड ऑफ ड्यूरेशन ऑफ प्लान्स इज डिसाइडेड आफ्टर इस्टेब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। द फैक्टर विच इंप्लीमेंट्स द चॉइस ऑफ पीरियड आर फर्स्ट, लीड टाइम इन डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। द लीड टाइम मस्ट बी कंसिडर वाइल डिसाइडिंग टाइम, फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट बिल्डिंग कंपनी प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट शुड हैव प्लानिंग पीरियड ऑफ 5 to 10 years, विल हैव अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेयर पार्ट, हु कैन कमर्शियलाइज हिज आइडिया इन ईयर्स एंड सो मेक अ एनुअल प्लान्स। देन सेकंड, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिकवरिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और द प्ले बैक पीरियड। द प्ले बैक पीरियड ऑल्सो इंप्लीमेंट्स द प्लानिंग पीरियड, फॉर एग्जाम्पल मशीन कॉस्ट इज 10 lakhs एंड जनरेटेड क्लैश इनफ्लो ऑफ 2 lakhs अ ईयर, इट हैज़ अ प्ले बैक पीरियड ऑफ 5 years। मीन्स लीड टाइम डेवलपमेंट जो भी रहेगा, जो प्रोडक्शन रहेगा उनका, जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम जो इकोनॉमिकल खर्चा कर रहे हैं उसको कितने टाइम में वो कवर होएगा, कवर करने का होगा, एंड जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा। सपोज मशीन कौन 10 lakh की है, उस मशीन से हम प्रोडक्शन कर रहे हैं पर ईयर 2 lakhs मिल रहा है, तो हमको जो मशीन का प्रोडक्शन रहेगा उसको जो उसके ऊपर जो हमने पैसा इकोनॉमिकल खर्चा किया है उसको निकालने के लिए 5 lakh, दैट इज़ अ प्ले बैक पीरियड ऑफ 5 years। देन लेंथ ऑफ कमिटेड ऑलरेडी मेड, द प्लान पीरियड शुड बी लॉन्ग इनफ टू एनेबल टू कंप्लीट ऑलरेडी मेड कम्युनिकेट। For example, if company has agreed to supply good for 2 years, it's need to plan for the same period of fulfill its commitment. Then fourth, the identification of alternative. The particular objective can be achieved throughout the implementing various course of action. For example, any organization objective is to grow further, which can be achieved in a several way, like expanding in the same field of business, product line, diversifying in other areas, joining hands with the other organization and so on. The fifth is evaluation and selection of alternative. Evaluation of the alternative is done to determine which is most appropriate course of action for achieving goal and objective. That is the different types of factor are given. We discuss one by one and understand all the factor with given example. Okay, thank you so much.